So hi everyone, this is ninth video of our C programming language series and in today's video we are going to discuss the program of swapping of two values. तो आज की वीडियो में हम प्रोग्राम बनाएंगे सी लैंग्वेज की हेल्प से जिसमें हम दो वैल्यूज को स्वैप कर रहे होंगे. अब स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? स्वैपिंग का मतलब होता है इंटरचेंज कर देना. इंटरचेंज कर देना मतलब आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से. मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल हो गया ए और दूसरा वेरिएबल हो गया बी. ए वेरिएबल में स्टोर है मेरी वैल्यू 9 और एक वेरिएबल हो गया मेरे पास बी जिसमें वैल्यू स्टोर है 10. लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ए वेरिएबल में जो मेरे पास वैल्यू है वो प्रिंट हो. तो मैंने जो टाइप करा वो ए और अब मुझे जो वैल्यू प्रिंट हुई, जो कंसोल स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट हो रही है, वो वैल्यू प्रिंट हो रही है 10. और मैं सेम एज इट इज बी वाले केस में देखता हूं तो वहां वैल्यू प्रिंट हो रही है 9. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों की वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो गई हैं. यानी कि जो वैल्यू 9 थी वो ए की बजाय बी में स्टोर हो गई है और जो वैल्यू 10 थी वो बी की बजाय अब ए में स्टोर हो गई है. मतलब दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो गई है. तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज स्वैप हो गई हैं. मतलब ए में पहले वैल्यू स्टोर थी 9 और बी में थी 10. अब ये दोनों वैल्यूज एक्सचेंज हो गई हैं, यानी इंटरचेंज हो गई हैं, स्वैप हो गई हैं. तो ए में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो 10 है और बी में जो वैल्यू है वो 9 है. तो ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो गई है. तो क्या हम इसे प्रोग्राम की हेल्प से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम इसे प्रोग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं. तो आज की वीडियो में जो हम देखेंगे वो करेंगे हम इसे मेथड 1. मेथड 1 यानी यूजिंग द थर्ड वेरिएबल. हम यहाँ पर थर्ड वेरिएबल का यूज करेंगे इन दोनों को इंटरचेंज करने के लिए. और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल. सो लेट्स स्टार्ट द कोड. तो सबसे पहले हम इसमें हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, राइट. तो आपने हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया है. उसके बाद क्या आता है? मेन फंक्शन आता है. सो इंट मेन एंड मेन फंक्शन का जो भी कुछ आता है, जो भी आप कोड लिखते हो, वो दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आता है. यानी ये कंपलसरी है. तो अगर आपको यूजिंग द थर्ड वेरिएबल करना है तो इस बार आपको कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे? इस बार 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, इट ए कॉमा बी कॉमा सी, राइट. और जब भी हम कोई मेन फंक्शन के अंदर लाइन को कंप्लीट करते हैं तो उसमें हम ये सेमी कॉलन लगाना तो ना भूलें, राइट. इसकी हैबिट तो आपको धीरे धीरे पड़ जाएगी जैसे जैसे आप प्रोग्राम बनाएंगे, राइट. तो इंट ए कॉमा बी कॉमा सी हमने यहाँ पर वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर दिया है. अब हम चाहते हैं कि यूजर खुद से इनपुट दे. खुद से इनपुट देने का मतलब है कंसोल स्क्रीन आ जाएगी और आप उस पर वैल्यूज टाइप करेंगे और जिसमें से एक वैल्यू जाके स्टोर होगी ए में और जो दूसरी वैल्यू स्टोर होगी वो बी में स्टोर होगी. यानी आप कोड के टाइम पर, यानी ये जो कोड लिख रहे हैं यहाँ पे, आप ए और बी में कोई वैल्यू अलॉट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ऑन द स्पॉट जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तभी आप वहां पर वैल्यूज को दें, राइट. तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? स्कैन एफ. यानी अब आपको इनपुट देना है और जब भी आपको इनपुट देना होता है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं. स्कैन एफ. और स्कैन एफ कौन सी लाइब्रेरी के अंदर आता है? stdio, यानी स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी के अंदर, राइट. तो स्कैन एफ को कैसे लिखते हैं? स्कैन एफ के बाद आपने ये दो ब्रैकेट्स लगा दिए हैं. ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स का यूज करते हैं. डबल कोट्स का यूज करेंगे और कितने परसेंट डी आएंगे? परसेंट डी आएंगे 2. क्यों 2? क्यों? क्योंकि आपको दो वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं, यानी आपको दो वैल्यूज देनी है. यहाँ पर आपको दो वैल्यूज का इनपुट देना है, इस वजह से आप 2% डी का यूज कर रहे हैं. हम यहाँ पर इंटीजर लेके चल रहे हैं, आप चाहें तो फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हैं, कैरेक्टर भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू. कैरेक्टर तो नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कोई नंबर चाहिए, जैसे इंटीजर वैल्यू हो सकती है वो या फिर फ्लोट हो सकता है. तो यहाँ पर कैरेक्टर नहीं लेंगे, यहाँ पे परसेंट डी या परसेंट एफ का यूज कर सकते हैं, राइट. अब आपको स्टोर कराना है इन वैल्यूज को, तो आपको एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी एड्रेस ए कॉमा एड्रेस बी, यानी m% b. तो आपने स्कैन एफ फंक्शन भी लिख दिया है और सेमी कॉलन तो बिल्कुल ना भूलें कोई भी लाइन कंप्लीट करने के बाद, इट्स कंपलसरी. तो अब आपने स्कैन एफ का यूज कर दिया है, आपने इनपुट दे दिए हैं किसमें? ए में और बी में. तो ए में जो वैल्यू स्टोर होगी वो फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगी जो आप फर्स्ट नंबर पे वैल्यू अलॉट करेंगे. यानी जो वैल्यू आप पहले इनपुट देंगे वो ए में स्टोर होगी और जो वैल्यू आप बाद में देंगे, बाद में इनपुट करेंगे, वो बी में जाके स्टोर होगी. अब आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको बी कर दें,
और इसको ए कर दें। अब इससे क्या होगा, जो वैल्यू आप पहले इनपुट देंगे वो बी में स्टोर होगी, और जो वैल्यू आप सेकेंड नंबर पर इनपुट देंगे वो ए में स्टोर होगी। लेकिन हम फर्स्ट वाला ए को ही रखेंगे अपने कोड में, राइट। तो यहाँ पर इस लाइन में आपने इनपुट वाला काम तो कर दिया है। ये सिंटेक्स थोड़ा सा याद रखिए इस फंक्शन का, डबल कोट्स के अंदर आप परसेंट डी लिखेंगे, राइट। अगर आप चाहें तो फ्लोट वैल्यू भी लिख सकते हैं, फ्लोट वैल्यू के लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ पर परसेंट एफ का, और यहाँ पर भी परसेंट एफ का यूज़ करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इंटीजर्स को लेकर चल रहे हैं परसेंट डी और परसेंट डी को, राइट। और एक चीज़ का और याद रखें कि यहाँ पर आपको स्पेस नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब आपने स्कैन एफ से इनपुट तो दे दिया, लेकिन अब इसके लिए लॉजिक क्या होगा वो देखना ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं इसको भी। अभी आपके पास ए है, राइट। ए इज इक्वल टू 9 हो गया फॉर एग्जाम्पल, और बी इज इक्वल टू 10 हो गया। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सी, और मैं सी इज इक्वल टू ए कर देता हूँ। अब इस सी इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है? सी इज इक्वल टू ए का मतलब हो गया कि जो वैल्यू ए में है वो सी में स्टोर हो गई है। देखिए ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना इस इक्वल टू का, मैथमेटिक्स में तो इसे हम इक्वल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसे यूज़ करते हैं जो वैल्यू आपकी राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में, इस वेरिएबल में लेफ्ट साइड वेरिएबल है उसमें जाकर स्टोर हो जाए। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैथमेटिक्स में आप इस सिंबल का यूज़ करते हैं फॉर इक्वल, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो कर रहे हैं। लेकिन इस सिंबल का यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है अगर आपको राइट हैंड साइड में जो वैल्यू, आपको उसे लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कराना है, तब आप इस सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ए में जो वैल्यू स्टोर होगी वो सी में स्टोर हो जाएगी, यानी ए में तो कोई वैल्यू स्टोर है ही नहीं अब। मतलब आपने जो वैल्यू 9 थी वो ए में स्टोर थी, लेकिन अब आपने उसे सी में स्टोर करा दिया है, तो ए तो पूरा खाली हो गया ना। तो अब आप ए में क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी, यानी अब आपके पास जो बी में वैल्यू थी वो ए में जाके स्टोर हो गई है क्योंकि आपने ए को खाली करा दिया है, राइट। लेकिन अब बी खाली हो गया क्योंकि बी से वैल्यू तो ए में ट्रांसफर हो गई। तो हम क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू सी, मतलब बी में जो वैल्यू आपने ए, मतलब सी में जो वैल्यू है वो अब आपने बी में स्टोर करा दिया है। एक बार दोबारा से इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए आपने ए में ए इज इक्वल टू 9, यानी जो 9 वैल्यू थी वो ए में स्टोर थी और बी की वैल्यू थी 10। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरचेंज कराना है, यानी दो वैल्यूज इंटरचेंज हो जाए। अब इस इंटरचेंज का मतलब क्या है कि ए इज इक्वल टू 10 हो जाए और बी इज इक्वल टू 9 हो जाए। अब ये करें कैसे, ये हम थर्ड वेरिएबल के यूज़ से करेंगे, यानी थर्ड वेरिएबल का हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें हमें। हमने थर्ड वेरिएबल सी पहले डिक्लेयर कर दिया था अपने कोड में, तो सी इज इक्वल टू ए। अब ए में जो वैल्यू स्टोर थी वो सी में स्टोर हो चुकी है, इसका मतलब ये हुआ कि ए एम्प्टी हो गया है, अब ए में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। तो हमें एडवांटेज मिल गया है कि हम ए का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब ए में कोई भी वैल्यू नहीं है, ए पूरा खाली हो चुका है। तो इसलिए हमने ए इज इक्वल टू बी कराया, इसका मतलब ये है कि बी में जो वैल्यू स्टोर थी वो अब ए में स्टोर हो जाएगी। तो हमने अपना आधा काम तो यहाँ पर कर दिया है, कैसे, क्योंकि ए इज इक्वल टू 10 हो गया है और हमें यही तो करना था, ए इज इक्वल टू 9 से हमें 10 करना था, लेकिन बी इज इक्वल टू 9 नहीं हुआ। लेकिन उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बी अब एम्प्टी हो गया है, बी में अब कोई वैल्यू है ही नहीं, बी खाली हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि बी इज इक्वल टू सी कर देंगे, क्योंकि सी में कौन सी वैल्यू स्टोर थी, सी में स्टोर था 9, सी में 9 स्टोर था। आप ये फर्स्ट लाइन देख रहे होंगे अपने कोड का, है ना, सी में 9 स्टोर था। यहाँ से देख लीजिए, अब मैं इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सी सी हो गया था यहाँ पर, सी इज इक्वल टू 9 एंड ए हैज़ नो वैल्यू, ए हैज़ नो वैल्यू, ए के पास कोई वैल्यू नहीं है, ए हो चुका है खाली, ठीक है। अब आपने इस स्टेप में क्या यूज़ करा, ए इज इक्वल टू बी, तो यानी ए क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 10 हो गया, क्योंकि बी में हमने क्या वैल्यू डिक्लेयर करी थी, क्या वैल्यू स्टोर कराई थी, हमने 10 वैल्यू स्टोर कराई थी, राइट। तो अब ए इज इक्वल टू बी का मतलब ये है कि बी के पास जो वैल्यू है वो ए में ट्रांसफर हो जाएगी, तो इसलिए ए हो गया 10 के इक्वल और बी हैज नो वैल्यू, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब ये थर्ड स्टेप को देखते हैं। थर्ड स्टेप में हमने अपना आखिरी दाव चलाया है कि बी इज इक्वल टू 9 हो गया,
जो कि हमें यही करना था, राइट? तो ये लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो चलिए अब सिमिलरली इसको आप कोड में भी करते हैं, राइट? तो आपने स्कैनफ का यूज़ कर चुका है, अब अपने मेन लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ए इज इक्वल टू सॉरी सी इज इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, ठीक है? तो इसका हमने यूज़ करा, इस लॉजिक से हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो स्वैप हो गई हैं। अब बस हमें इन्हें प्रिंट करा देना है। तो प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे परसेंट डी, राइट? पहले हम किसकी वैल्यू प्रिंट कराएं? पहले हम प्रिंट कराते हैं ए की वैल्यू, ठीक है? और नेक्स्ट स्टेप पे हम प्रिंट कराएंगे बी की वैल्यू। तो यहाँ पर हम एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ कर लेते हैं। एस्केप सीक्वेंस मतलब कि ये जो वैल्यू लिखी है, मतलब ये जो मैंने लिखा है बैक स्लैश एन, इसको बोलते हैं बैक स्लैश एन, ठीक है? ये एक तरह का एस्केप सीक्वेंस होता है। इसका मतलब ये है कि न्यू लाइन, इट रिप्रेजेंट्स योर न्यू लाइन। ये प्रिंट तो नहीं होगा क्योंकि बेसिकली जो भी हम प्रिंट एफ के डबल कोट्स में लिखते हैं वो वैल्यू कंसोल स्क्रीन पे जाके प्रिंट हो जाती है, लेकिन बैक स्लैश एन प्रिंट नहीं होगा। बैक स्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस है और वो कभी भी प्रिंट नहीं होते, सो इसलिए ये भी प्रिंट नहीं होगा। और ये न्यू लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक वैल्यू यानी परसेंट डी आपका पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद न्यू लाइन से दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है? तो हमने यहाँ पर इसको यूज़ करा है, परसेंट डी ए कॉमा बी, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि परसेंट डी ए को हमने पहले लिखा है कि पहले लिखा है, तो यानी जो वैल्यू पहले प्रिंट होगी वो ए की प्रिंट होगी, राइट? और बाद में जो वैल्यू प्रिंट होगी, तो नेक्स्ट लाइन में जो वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी बी की, ठीक है? और रिटर्न 0, ठीक है? तो ये हमारा कोड हो गया, एक बार इसको रन करा लेते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, बट बिफोर दैट इसको सेव करना है। ओके तो पहले कोई भी वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से 5, ठीक है? ये वैल्यू ए में स्टोर हुई है एंड 7। आप देख सकते हैं कि पहले प्रिंट हुआ है 7, उसके बाद 5, और ये जो 5 है ये न्यू लाइन से प्रिंट हुआ है। अब ये प्रिंट क्यों हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पर एक एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करा था बैक स्लैश एन का, राइट? इस वजह से वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ जो बी की वैल्यू थी। और आप देख रहे होंगे हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली भी रन कर चुका है। मैं एक बार दोबारा से वो स्क्रीन को आपके सामने दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। पहले हमने 5 एज ए इनपुट दिया, ठीक है? और वो जाके स्टोर हुआ ए में। फिर हमने 7 एज ए इनपुट दिया और वो स्टोर हुआ बी में। फिर हमने ए की वैल्यू प्रिंट कराई, ए की वैल्यू प्रिंट कराई और वो वैल्यू प्रिंट हुई 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज थी वो स्वैप हो चुकी है। आप देख सकते हैं वैल्यू स्वैप हो गई। अगर वैल्यू स्वैप ना होती और हम पहले ए को प्रिंट कराते तो वैल्यू प्रिंट होती 5, लेकिन क्योंकि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हुआ है, सक्सेसफुली रन हुआ है विदाउट एन एरर, हमारा लॉजिक भी ठीक है, तो इसलिए अगर हमने पहले ए को प्रिंट कराया है तो वैल्यू कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट हुई है 7, यानी हमारा आउटपुट बिल्कुल ठीक आया जो हम चाहते थे। तो ये हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से ठीक रन हुआ है। सो इस तरह से हम ये प्रोग्राम को बनाएंगे, स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज विद यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक कीप लर्निंग।